सुजान के मुंह से ये सुनकर कि गौरी मां बनने वाली है, सिद्धार्थ को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सुजान से फिर से पूछा, जिस पर सुजान ने कहा, तुमने ठीक सुना, गौरी के सारे लक्षण मां बनने के हैं। यह सुनकर सिद्धार्थ के पैरों तले जमीन खिसक गई। सिद्धार्थ जहां पर खड़ा था वहीं पर बैठ गया। सिद्धार्थ थोड़ा हड़बड़ा गया। उसने सुजान से फिर से पूछा, क्या तुम पूरे यकीन के साथ कह सकते हो? मेरा मतलब है कि हो सकता है कि तुमसे कोई गलती हुई हो। सुजान ने कहा, हाँ गलती तो जरूर हो सकती है, लेकिन जंगल में रहकर हम इतना तो सीख ही गए हैं, और जो स्त्रियां मां बनने वाली हैं उनकी ये सब लक्षण होना बहुत ही आम बात है। एक स्त्री जब गर्भवती होती है तब उसका शरीर कुछ विशिष्ट प्रकार के लक्षण दिखाकर संकेत देती है, ये वही संकेत है। इस पर सिद्धार्थ ने कहा, इसका मतलब गलती हो सकती है ना, हो सकता है कि गौरी की सिर्फ तबीयत खराब हो और कुछ नहीं। सुजान ने कहा, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते, यह गलत हो सकता है, लेकिन तसल्ली करने के लिए उसे वैद्य जी को दिखा दो, वहां पर जांच करवाकर पूरी तरह से तसल्ली करना ठीक रहेगा। यह कहकर सुजान वहां से चला गया। सिद्धार्थ अपने सर के ऊपर हाथ रखकर वहीं बैठ गया। उसे अब डर लगने लगा था। सिद्धार्थ ने सोचा, अगर लोगों को इसके बारे में पता चल गया तो खामखा बात का बतंगड़ बन जाएगा, क्योंकि जो भी हो लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये एक छोटा सा गांव था और यहां के लोग अभी भी शादी से पहले एक लड़की का मां बनना अच्छा नहीं मानते। ये खबर अगर गांव में फैल गई तो लोग जो आज तक गौरी को बहुत ही सम्मान की नजरों से देखते हैं, उन्हीं लोगों को पल भर भी नहीं लगेगा अपनी नजरों से गौरी को गिराने में, और यदि ऐसा हुआ तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल की घड़ी बन जाएगी। सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली और अपनी जगह से उठा और उठकर सीधा गौरी के कमरे में गया और गौरी से कहा, कुछ नहीं हुआ तुम्हें, बस मेरा शक सही निकला, कल रात को जो तुमने उड़द दाल के साथ दही खा लिया था ना, बस उसी की वजह से तुम्हारे पेट में गड़बड़ी हो गई है। अगली बार ध्यान रखना, दही के साथ उड़द दाल, प्याज, आम, दूध या दूध से बनी हुई खीर जैसी कोई भी चीज कभी नहीं खानी चाहिए, तुरंत ही पेट खराब हो जाता है। सुजान के पास इसका घरेलू नुस्खा है, वो बस थोड़ी देर में बनाकर तुम्हें दे देगा और तुम ठीक हो जाओगी, तुम आराम करो, फिक्र मत करो। ये कहकर सिद्धार्थ अपने कमरे में चला गया। अपने कमरे में जाकर सिद्धार्थ गहरी चिंता में बैठ गया। उसे चिंता होने लगी थी कि वो आखिर इस बात की तसल्ली करे तो वो भी कैसे, यदि गौरी को लेकर वैद्य जी को दिखाया जाए तो वो भी कैसे, क्योंकि यदि गौरी गर्भवती निकली तो इसकी खबर वैद्य जी से, सरपंच काका और बाकी सब गांव वालों को लग ही जाएगा। जब तक इस बात का कोई हल नहीं निकलता तब तक सिद्धार्थ की चिंता दूर भी नहीं होने वाली थी। थोड़ी देर में दो तीन गांव वाले मोतीबाई का संदेश लेकर नील भवन पहुंचे और वहां पर जाकर उन्होंने रसोईया काका से कहा, आप जरा सिद्धार्थ और गौरी से कहेंगे कि मोतीबाई ने उन्हें याद किया है। इस पर रसोईया काका ने कहा, गौरी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वो जैसे ही ठीक महसूस करेगी मैं उसे आप लोगों का संदेश दे दूंगा। रसोईया काका ने सिद्धार्थ के पास जाकर उसे मोतीबाई का संदेश दिया। मोतीबाई का नाम सुनते ही सिद्धार्थ की आंखें चमकी और उसे एक रास्ता मिल गया। उसने सोचा, मेरे और गौरी के बीच में शारीरिक संबंध है, इसके बारे में मेरे और गौरी के अतिरिक्त सिर्फ मोतीबाई को पता है, अब वो हमारी मदद कर सकती है। ये सोचकर सिद्धार्थ गौरी के कमरे में गया। गौरी अपने कमरे में लेटी हुई थी लेकिन जाग रही थी। उसने जाकर गौरी से कहा, गौरी सुनो, मोतीबाई हमसे मिलना चाहती है, तो उनसे मिलने चलें। गौरी ने कहा, मुझे अभी भी ठीक नहीं लग रहा है सिद्धार्थ, तुम चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, मोतीबाई से कह देना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वो समझ जाएगी। सिद्धार्थ और कुछ बोलने गया तब गौरी करवट बदल कर दूसरी ओर मुंह करके सो गई। सिद्धार्थ को गौरी का यह व्यवहार अब सहन नहीं हुआ। उसने गुस्से में गौरी से कहा, अरे बस करो गौरी, आखिर कब तक मुझे उस गलती की सजा देती रहोगी जिसका मैं दोषी ही नहीं, अपनी गलती ना होते हुए भी मैंने कितनी बार तुमसे माफी मांगी, लेकिन तुम हो कि मुझे सजा दिए ही जा रही हो और खुद भी सजा भुगत रही हो, इसका तो अर्थ यही होता है ना कि तुम मन ही मन मुझे दोषी ही मान चुकी हो, और अगर यही सच है तो फिर तुमसे कोई भी बात करना ही बेकार है। ये कहकर सिद्धार्थ उठा और कमरे से बाहर चला गया। गौरी को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसे सिद्धार्थ की बात सच लगी। आखिर जब उस समय सिद्धार्थ का
खुद पर कोई भी नियंत्रण नहीं था तो उस वक्त उसने जो भी किया उसकी सजा उसको देना यह कहां तक ठीक था। यह सोचकर गौरी उठी और सिद्धार्थ के पास गई। उसने सिद्धार्थ के पास जाकर उससे कहा, मेरे बर्ताव के लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूं। मैं कुछ दिनों से जिस तरह तुमसे बर्ताव कर रही हूं यह मुझे भी ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करूं। ना चाहते हुए भी मैं वो दृश्य अपनी आंखों के सामने से हटा नहीं पा रही हूं। तुम किसी और को बाहों में लेकर उसे चूम रहे हो, मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। लेकिन जब यह अपनी आंखों से मैंने देखा तो वो मैं चाहकर भी भुला नहीं पा रही हूं। मुझे माफ कर दो सिद्धार्थ, मुझसे नफरत मत करो। ये कहकर गौरी टूट पड़ी और सिद्धार्थ की गोद में अपना सर रखकर बिलख बिलख कर रोने लगी। गौरी को इस तरह रोते हुए देख सिद्धार्थ भी रो पड़ा। सिद्धार्थ ने गौरी को खींचकर अपने गले से लगा लिया और दोनों कुछ वक्त तक एक दूसरे से गले लगकर अपने बीच के फासले मिटा रहे थे। कुछ देर के बाद सिद्धार्थ ने गौरी से कहा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। मुझे पता नहीं कि ये बात तुम पर किस तरह असर करेगी, लेकिन ये बात तुमसे करना बेहद जरूरी है, इसलिए मैं तुम्हें मोतीबाई के पास लेकर जाना चाहता हूं। गौरी ने कहा, कौन सी बात और कैसी बात। सिद्धार्थ ने कहा, तुम्हारी आज जो तबीयत खराब हुई, तुम्हें उल्टियां आई और तुम्हारे पैर कांपने लगे थे, तो मैंने सुजान को तुम्हारी जांच करने बुलाया था। गौरी ने कहा, यह सब तो मुझे पता है, बात क्या है ये तो बताओ। सिद्धार्थ ने हिचकिचाते हुए उसे कहा, दरअसल वो बात यह है कि सुजान ने तुम्हारे लक्षणों की जांच करके उसे ऐसा लगा कि। गौरी ने सिद्धार्थ से जोर से कहा, अरे इतना घुमा फिरा कर क्यों बात कर रहे हो, सीधे सीधे बोलो ना कि सुजान ने क्या कहा। सिद्धार्थ ने कहा, सुजान को ऐसा लग रहा है कि तुम मां बनने वाली हो। यह सुनकर गौरी स्तब्ध रह गई। कुछ देर तक गौरी कुछ बोल ही नहीं पाई और उसके बाद सिद्धार्थ से गौरी ने कहा, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना। सिद्धार्थ ने कहा, यह मजाक करने का समय है क्या। गौरी ने हैरान होकर अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया और उसकी आंखों से आंसू आ गए। हड़बड़ाते हुए गौरी ने कहा, अरे अगर यह सच हो गया तो क्या होगा सिद्धार्थ, हम दोनों खासकर मैं धिक्कार की पात्र बन जाऊंगी। लोग मेरे चरित्र पर उंगलियां उठाने लगेंगे, लोग मुझसे बात तक नहीं करेंगे, मेरा साया भी उन पर पड़ेगा तो वो उसको अच्छा नहीं मानेंगे। मेरे पिता तो सर उठाकर गांव में किसी से आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पाएंगे। उनको खुद शर्म आएगी कि उसकी बेटी शादी से पहले ही मां बन गई। गौरी को घबराहट के मारे पसीने छूटने लगे। सिद्धार्थ ने गौरी का सर अपने हाथों के बीच में पकड़ा और उससे कहा, शांत हो जाओ गौरी। इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, हो सकता है कि सुजान से जांच करने में कोई गलती हुई हो, इसलिए हम तसल्ली करने के लिए वैद्य जी की जगह मोतीबाई के पास जाते हैं, क्योंकि हम दोनों के अलावा अगर कोई जानता है कि हम दोनों के बीच शारीरिक संबंध हुआ है तो वो सिर्फ मोतीबाई ही है, और वो अपने तजुर्बे से ये हमें जरूर बताने में सक्षम होगी कि तुम पेट से हो या नहीं, और अगर ये बात सच भी है तो फिर इसका उपाय वो जरूर बताएगी। मेरी बात मानो, इस वक्त उनके पास जाने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। गौरी सिद्धार्थ की ये बात से सहमत थी। उसने कहा, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, हमें उनके पास अभी जाना चाहिए। सिद्धार्थ ने गौरी से कहा, सबसे पहले मुंह धो लो, तुम्हारी शक्ल देखकर कोई भी ये बता देगा कि तुम बाल्टी भरकर रोकर आ रही हो। गौरी अपने आंसू पोंछते हुए हंस पड़ी और अपने कमरे में तैयार होने चली गई। कुछ देर के बाद सिद्धार्थ और गौरी दोनों मोतीबाई को मिलने नील भवन से बाहर निकले। उस तरफ विश्वनाथ जी के आश्रम में बेताल यानी कि बूढ़े बाबा अपनी पूरी मेहनत करके कड़ी तपस्या से विश्वनाथ जी से दिव्य विद्या प्राप्त करने की साधना में लगे हुए थे। विश्वनाथ जी बूढ़े बाबा को न सिर्फ विद्याओं का ज्ञान दे रहे थे, किंतु उन विद्याओं का किस तरह उपयोग किया जाना चाहिए उसका प्रशिक्षण भी दे रहे थे। तब उस वक्त प्रशिक्षण के बीच बूढ़े बाबा के मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ। उन्होंने विश्वनाथ जी से पूछा, गुरुदेव मेरे मन में एक शंका है। विश्वनाथ जी ने कहा, निसंकोच होकर पूछो। बूढ़े बाबा ने कहा, गुरुदेव ये सिद्धियां प्राप्त करने के लिए मेरे मन में इच्छा तो जागृत हुई थी, लेकिन आपने ये कहा था कि मेरे मन में इच्छा भी आपकी ही इच्छा से जागी थी। फिर इन सिद्धियों की प्राप्ति के लिए आपने मुझ जैसे दुर्बल व्यक्ति को क्यों चुना।
जबकि शैतान और शैतानी शक्तियों से लड़ने के लिए सिद्धार्थ जैसे युवा और बलशाली व्यक्ति को आप आसानी से चुन सकते थे? विश्वनाथ जी ने कहा, अच्छा प्रश्न है। इसका जवाब है कि सिद्धार्थ इन महान सिद्धियों और शक्तियों को धारण करने का अधिकारी नहीं है, उसकी लायकी और पात्रता नहीं है। ये सुनकर बूढ़े बाबा स्तब्ध रह गए। आखिर विश्वनाथ जी ने ऐसा क्यों कहा कि सिद्धार्थ इन शक्तियों और सिद्धियों को धारण करने के लायक नहीं है? क्या गौरी वाकई में मां बनने वाली थी या नहीं? अगर गौरी सच में मां बनने वाली थी तो इसका असर सिद्धार्थ और गौरी के भविष्य पर क्या होगा? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़ ओनली ऑन पॉकेट एफएम।